इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप को लेकर अब तक 7 FIR दर्ज की गई है, जिसमें 4 आरोपियों के नाम हैं। इन आरोपियों में 3 अस्पताल के स्टाफ हैं और 1 मीडिएटर है। इसका काम फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाना था। हालांकि पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि फर्जी वैक्सीनेशन में क्या वैक्सीन भी फर्जी थी। एक तो राजेश पांडे है, दूसरे है संजय गुप्ता, तीसरे है महेंद्र सिंह, चौथे है मनोज भाटिया, फिर एक हॉस्पिटल के एक महिला और 2 पुरुष कर्मचारी और एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन नहीं ली थी, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के परमिशन के बिना वो कैंप का आयोजन किया था और वहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन हुआ है वो वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन दी गई ये तो अभी तहकीकात का विषय है, मामला है। ये तहकीकात में बात तय हो जाएगी कि वैक्सीन क्या थी, वाकई में वैक्सीन थी कि कुछ और था, ये तो इस वक्त बात करना उचित नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।